नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से जीव विज्ञान प्रवक्ता। तो आइए हम आज बात करते हैं जीव विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 11 के लिए जो प्रथम इकाई है उसका नाम है सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अर्थात पूरे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना। लेसन नंबर जो एक था इसी के अंतर्गत जिसका नाम था सजीव जगत। तो हमने पिछली बार सजीव की बात पिछले वीडियो में किया है, अब बात करेंगे जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं बिना निर्जीव वस्तुओं के रहना संभव नहीं है। भैया आप कल्पना करें कि अगर आप हैं तो बिस्तर कहाँ लगाएंगे, निर्जीव वस्तु का उपयोग करेंगे, घर कहाँ बनाएंगे, उसके लिए भी निर्जीव चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर के यह बात कही जाए कि सजीव निर्जीव का संबंध वातावरण से है, तभी हम लोग सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकते हैं। कहने से मतलब यह है कि सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंध का अध्ययन बायोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थात सजीवों का निर्जीवों पर किसी ना किसी तरह से आश्रित होना, इस चीज़ों का अध्ययन करना ही बायोनॉमिक्स कहलाता है। तो हमने जाना कि बायोनॉमिक्स के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं जो हम लोग सजीव होकर के निर्जीव वस्तुओं का उपभोग करते हैं, सामूहिक रूप से अध्ययन बायोनॉमिक्स कहलाएगा। अब मुख्य मुद्दा हमारा है बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। तो देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है, शब्द के दो भाग हैं, एक है बायोस दूसरा है डाइवर्सिस। तो देखिए ग्रीक शब्द बायोस अर्थात बायो जिसका अर्थ है जीवन, तथा लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका जो डाइवर्सिस है, शब्द डाइवर्सिस, इस शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न। तो देखिए जीवन भिन्न भिन्न की बात कही गई, तो यहाँ शब्द क्या बनकर आया, जीवन बायो का अर्थ हुआ, डाइवर्सिस का अर्थ हुआ भिन्न भिन्न। तो जैव विविधता शब्द का जो अर्थ बनकर आया पृथ्वी पर जीवों की विविधता, पृथ्वी पर जीवों की विविधता, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे साग सब्जियां जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संपूर्ण जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं खाद्य सामग्रियों आदि की हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान है जो हमें उपलब्ध कराता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, क्योंकि आज बहुत ही चर्चित यह शब्द है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो एडवर्ड वेल्सन को जाता है, एडवर्ड वेल्सन को जाता है। वेल्सन ने जैव विविधता का वर्णन जैविक संगठन के तीन रूपों में किया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जैविक संगठन के तीन रूपों में किया। अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे जैविक संगठन से मतलब क्या है तीन रूपों का। अब देखिए पहला जो शब्द इसमें आ रहा है आनुवंशिक विविधता अर्थात जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक बात हुई। दूसरा प्रजातीय विविधता अर्थात स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पर जो आता है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजिकल विविधता। तो देखिए तीन शब्द यहाँ पर जैविक संगठन के तीन रूपों में करने का मतलब, देखिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी जीन लेवल में परिवर्तन होने के कारण जीव भिन्न भिन्न हैं। भाई आप जंतु हैं, डॉग बफेलो बहुत से अन्य जीव हैं, लेकिन सब में क्यों अंतर है,
क्योंकि पहला पॉइंट आएगा क्योंकि हमारे उनमें गुणसूत्रों की संख्या में अंतर है, इसलिए डिफरेंस है। तो सीधी सी बात आई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण अर्थात जीन या आनुवंशिक विविधता के कारण डिफरेंस है। अगला पॉइंट बात करें, अब जातीय विविधता आई क्योंकि उनके रहने का, अन्य चीजों करने का, क्रियाकलापों का ढंग क्यों अंतर है, डिफरेंस है। क्योंकि जातीय, एक जाति के जीव एक तरह की क्रियाकलापों को करते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा ये चीजें, तो यहां पर जातीय विविधता को ये दर्शाता है। अब आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थात किस परिवेश में वो निवास करते हैं, क्योंकि हर चीज का, जैसे जलीय पादप है मछली है, वो आप ठीक से जानते हैं जल में ही रहने के लिए अनुकूलित है, जल से बाहर निकालेंगे वो नहीं रह पाएगी, अगर आपको जल में रखा जाए तो आप जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्या है ये पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी के अंतर्गत ये सभी चीजें आएंगी, अर्थात इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी हुई इनके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो देखिए इन तीनों चीजों से, तीनों रूपों से आप कह सकते हैं स्पष्ट है कि जैविक संगठन के किसी भी लेबल पर पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। तो इन तीनों में से किसी भी लेबल पर पाई जाने वाली जो भी विविधताएं हैं सबकी सब बायोडायवर्सिटी ही कहलाती हैं। अब देखिए बायोडायवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें जाता है, लेकिन सबसे पहले शब्द इन्होंने नहीं दिया। तो देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजन, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीन रूप हैं इन तीनों रूपों के बारे में जानेंगे एक एक करके, देखते हैं। पहला रूप देखिए आनुवंशिक विविधता के कारण ही विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो आनुवंशिक जो विविधता के कारण ही विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं इनके गुणों में क्या आती है, भिन्नता आती है। और यह भिन्नता क्या दर्शाती है, एक प्रकार का भौगोलिक सेपरेशन दर्शाती है या वियोजन आप कह सकते हैं, जो एक दूसरे भौगोलिक वियोजन को दर्शाती है, जो एक दूसरे से भौगोलिक वियोजन से देखिए हमारा संबंध, जैसे कोई जंतु है तो आप अलग रहते हैं, वो अलग रहता है, एक बिस्तर पर तो दोनों लोग नहीं सोते हैं, सभी का अलग अलग तरीके का है, अर्थात भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन इसी के कारण है। सीधा सा पॉइंट। आइए आगे बात करते हैं, देखिए दूसरे नंबर पर जातीय विविधता, अर्थात जातियों में जो विविधता पाई जाती है उसकी बात की जाए, तो पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियों में विभिन्नताएं जातीय विविधता कहलाती है। जो पृथ्वी पर अलग अलग तरह की जातियां पाई जाती हैं इन्हीं को हम जातीय विविधता भी कहते हैं। अगला थर्ड नंबर पर जो आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय जो विविधता है, तो यह एक विस्तृत भूभाग में पारस्परिक क्रिया करने वाले पारितंत्रों का समूह है, बहुत बड़ा चूंकि है पूरा, इसलिए एक पूरा विस्तृत भूभाग में जो है क्रिया करने वाले पारितंत्रों का एक समूह है, इकोसिस्टम का पूरा एक समूह है, इसी कारण इसे लैंडस्केप डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, अब बात करेंगे हम भारत के बारे में। तो भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत की जो जैव विविधता है, भारत एक संपन्न राष्ट्र जैव विविधता के क्षेत्र में, खासकर भारत का भू क्षेत्र विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भाग है, लेकिन फिर भी भारत की कुल जैव विविधता में हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो 8.1% की है, 8.1% की हिस्सेदारी है किसमें, बायोडायवर्सिटी में, जबकि भूभाग देखा जाए तो विश्व का कितना आया, 2.4% है, और जबकि जैव विविधता के क्षेत्र में हिस्सेदारी 8.1% की है, 8.1% की हिस्सेदारी
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भारत एक जयो कह सकते हैं विविधता से समृद्ध अर्थात संपन्न देश है। इसी कारण विश्व के 12 जो महा जयो विविधता अर्थात मेगा डाइवर्सिटी देशों में इसे शामिल किया गया है। तो देखिए 12 जो विश्व के मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं उसमें भारत को भी इंक्लूड कर लिया गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी इसमें हिस्सेदारी है। तो देखिए बात यहाँ पर हम कर रहे थे कि IUCN, तो देखिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो अब तक 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। तो 1.5 जो मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं इससे अधिक खोज की जा चुकी है प्रजातियों की। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो देखिए भारत एक प्रकार से विविधता से संपन्न देश है। क्यों है? उसके पीछे कई कारण हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो मौसम का परिवर्तन, मानसून अच्छे समय के लिए रहता है, हिमालय का पाया जाना, कई इसके पीछे अन्य ज्योग्राफिकल कारण भी हैं। तो जैव विविधता लेकिन संपन्न देश होने के कारण विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। अब इस जैव विविधता को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं कुछ लोग क्या मानवीय जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इन्हीं के कारण हमारी जैव विविधता क्या प्रभावित हो रही है। जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ना मानवीय क्रियाकलापों का ही नतीजा है। इसके कई भी कारण हो सकते हैं। आइए देखिए आगे हम बात करते हैं जैव विविधता की क्षति के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैव विविधता की बात जब की जा रही है तो अभी मैंने बात किया मानवीय गतिविधियां हैं जो जैव विविधता को क्या करती हैं, क्षति के लिए मुख्य रूप से क्या हैं, जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। बायोडाइवर्सिटी क्षति के 4 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण 4 मुख्य कारण हैं। इन्हीं चारों कारणों को पता की चौकड़ी, बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका ये क्या होता है। तो पता की चौकड़ी का मतलब है चारों तरफ से घेर लेना किसी चीज का, अर्थात जैव विविधता को मानवीय गतिविधियों ने इतना ज्यादा घेर लिया है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक आवासों का नाश हो जाना या टुकड़ों में बढ़ जाना। जो नेचुरल हमारे घर थे जानवरों के या बहुत सी चीज़ों के, उनका नष्ट होना एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। इससे क्या होंगी, प्रजातियां भी नष्ट हो रही हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के समाप्त हो जाएंगे उस टाइप के, उनका आवास नहीं रह पाएगा। और दूसरा कारण हो सकता है या है विदेशी जातियों का आक्रमण या आवागमन आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका क्लाइमेट दूसरा था वहाँ रहने के लिए, यहाँ जब आ जाते हैं तो दूसरे क्लाइमेट में रहती हैं, दूसरे तरीके की गतिविधियाँ करती हैं, उनसे अन्य जो प्रजातियाँ के पौधे वहाँ पर या जंतु हैं वो क्या प्रभावित हो जाते, अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने घर में रहते हैं, कोई दूसरा आपके घर में आकर के दबंगई करने लगे और वो अपना वर्चस्व कायम करे तो वो तो मौज से रहेगा लेकिन आप क्या परेशान हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मानसिक विकृतियां आएंगी, धीरे धीरे विनाश की तरफ वह प्रजाति चली जाती है। तो विदेशी जातियों का जो आवागमन या आक्रमण हुआ ये भी बहुत बड़ा जैव विविधता के विनाश का कारण बना। तीसरा देखिए पॉइंट है सह विलुप्तता अर्थात को एग्जिस्टेंस, ये भी चीज बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता है। और साथ में अगला जो लास्ट पॉइंट आएगा अति दोहन अर्थात ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि मनुष्य की या मानवीय जो भी गतिविधियां हैं मानव जाति की या
प्रवृत्ति है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी अगर उसे मिल रही है वो रख लेता अपने पास। अन्य चीजों का उपभोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है और करता है। इसी कारण से हमारी जो जैव विविधता है इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आवश्यकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बहुत तरीके का प्रयास किया गया है, अर्थात संरक्षण की बात करना चाहते हैं, सुरक्षा करने की उसकी बात। तो देखिए, संरक्षण या कंजर्वेशन की बात करें तो प्रजातियों के विलुप्तीकरण अर्थात यह प्रजाति विलुप्त ना होने पाए, विलुप्तीकरण, पुनर्वासों में होने वाली क्षति को रोकना ही संरक्षण कहलाता है। तो इस समय बहुत बड़ी यह आवश्यकता है कि जैव विविधता की संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए और जैव विविधता के विनाश को रोका जाए। आपने देखा अभी COVID-19 बीमारी की वजह से बहुत से लोग घरों में हैं, अर्थात बाहर लोगों का आवागमन कम हुआ। इसकी वजह प्रकृति में बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि ये सारी गतिविधियां कौन करता था? दूषित मानव की ही गतिविधियों के कारण प्रकृति का बहुत बड़ा लॉस होता है। इसी कारण से हमें इसके संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए आगे हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण कि देखिए दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है स्वथाने अर्थात इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब यह होता है जब संकटग्रस्त पौधा या जंतु को उनके प्रकृति आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है, जो उसका मूल स्थान है उसी में उसी चीज को सुरक्षित जीव जंतु या पौधे को कर देना, तब कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे बायोस्फीयर, राष्ट्रीय पार्क, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आ सकती हैं। आइए अगला दूसरा बात करें वाही स्वथाने अर्थात एक सीटू कंजर्वेशन। इसमें कहा जा रहा है संकटग्रस्त पौधे व जंतुओं को संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर संग्रह करना या संरक्षण देना किसी भी प्रकार का, यह कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत बोटेनिकल गार्डन, जंतु पार्क, उत्तक संवर्धन, सीड बैंक और क्रायो बैंक आते हैं। क्रायो बैंक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, किसमें आता है? क्रायो बैंक का मतलब यह है कि जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करना। जैसे मान लिया जर्म प्लाज्म जो है उसको प्रिजर्व करना, इसमें करते क्या है, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में जर्म प्लाज्म को संग्रह कर लिया जाता है और बाद में समय पड़ने पर उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कंजर्वेशन के दो मेथड बने, एक जो जिसका प्राकृतिक आवास है नेचुरल उसी जगह पर प्रोटेक्ट कर देना, एक वहां से हटा करके दूसरी जगह पर प्रोटेक्ट करना, जो कहलाता है एक सीटू कंजर्वेशन, यहां पर क्या कहलाया, इन सीटू कंजर्वेशन। इस तरीके से हम दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीव जातियों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 29 दिसंबर का जो दिन है ये जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार 3 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व जंतु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जंतु दिवस कब मनाते हैं, 3 अक्टूबर को, सवाल पूछा गया है। ऐसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, अर्थात अक्टूबर का प्रथम जो सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखें पर्यावरण संरक्षण के लिए 1987 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या चीज मनाई जाती है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में।
इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, वन्य प्राणियों तथा वनों को 1976 में संविधान में 42वां संशोधन करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में शामिल करने से क्या फायदा होगा? इससे फायदा सबसे बड़ा यह हुआ कि इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं, तो दोनों का सुरक्षा का दायित्व बढ़ गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव विविधता के प्रति जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपनी के लिए कम से कम चीज़ों का जो है दुरुपयोग करें, जो उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। इससे हमारी जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। किसी टाइप की समस्या है इस टॉपिक से या जो भी इसमें बताई गई चीज़ें हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।